ये फोटो देखिए आप, ये ध्यान से बस एक बार इस फोटो को निहार लें, जूम करके देख लें, आपको मिल जाएगी सोशल मीडिया पे ये फोटो वायरल हो चुकी है और मुझे भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मैं तो बस इस फोटो को देखा और मैं देखता ही रह गया। फिर मैंने इसके नीचे का कैप्शन पढ़ा और फिर मैंने ऊपर नाम देखा, अली अब्बा जफर और बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साइड से ये फोटो डाली गई है। अब बात करते हैं इस फोटो के ऊपर और अक्षय कुमार के ऊपर। आजकल अक्षय कुमार के ऊपर थोड़ा ज़्यादा बात करना बनती भी है। देखो, अली अब्बा जफर किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज तो है नहीं, सब लोगों को पता है। जो पुराने सिनेमा लवर्स होंगे सब लोगों को पता है उनकी मूवी कैसी होती हैं, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लेके क्या हाइप है सब लोगों को पता है। जब इसका अनाउंसमेंट टीजर आया था तभी लोगों को पसंद आ गई थी। उसके बाद बची कुची असर जो है वो पृथ्वीराज सुकुमारन की एंट्री ने पूरी कर दी, ठीक है, पब्लिक वहाँ पर एक्साइटेड हो गई। और फिर कैप्टन ऑफ द शिप अली अब्बा जफर का नाम ही काफ़ी था। एक प्रॉब्लम थी कि इसमें जो दो मेन लीड में है ना, दोनों ही का टाइम बहुत बुरा चल रहा है। एक तो चलो संभल गया, कैसे संभल गया वो मैं बताता हूँ, एक संभलने का नाम नहीं ले रहा है, अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ ने भी बैक टू बैक डिजास्टर दी हैं, ठीक है, और कुछ एक मूवी उनकी और ऐसी अनाउंसमेंट हुई थी जो ऑलरेडी डिजास्टर थी, जैसे स्क्रू ढीला मुझे याद आती, लोगों ने उसका अनाउंसमेंट ही देख के बोल दिया था ये डिजास्टर होने वाली है, ठीक है। लेकिन वो बंदा संभल गया, वो संभल गया। पहले उसकी गणपत आनी है, उसके बाद बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ये दो बड़ी से बड़ी फिल्म है, उसके साथ वो वापसी कर जाएगा। गणपत चलेगी 101% चलेगी, गणपत का कॉन्फिडेंस काम आ जाएगा बड़े मियाँ छोटे मियाँ में। सेम सिनेरियो अक्षय कुमार के साथ है, एक साल में 5 डिजास्टर, 6वीं डिजास्टर इस साल सेल्फी। बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा है कि रुक जाए, जो मूवी अभी है कोई भी जरूरत नहीं है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की, ये आगे भी रिलीज हो जाएंगी, आपको अभी जरूरत है फाइट बैक करने की। अभी मेरे एक दोस्त से बात चल रही थी, वो बोल रहा था कि यहाँ से अक्षय कुमार को ये जो क्या नॉर्थ अमेरिका में शो करने जा रहे हैं उसको छोड़ के ना 6-8 महीने लाइमलाइट से दूर हो जाना चाहिए, इतना दूर हो जाना चाहिए कि पेपराजी वाले और मीडिया वाले ये बोले कि अक्षय कुमार गए कहाँ हैं। और सबको पता है अक्षय कुमार के खाते में बड़े मियाँ छोटे मियाँ की ऐसी मूवी है जिससे सब लोगों को उम्मीदें हैं। 6-8 महीने के लिए अक्षय कुमार अपने आप को गायब कर लें और उसके बाद वापसी मारे इस मूवी के साथ, जैसे SRK ने वापसी मारी पठान के साथ, वो कमबैक याद किया जाएगा। और एक ऐसी पर्सनैलिटी के लिए, एक ऐसे एक्टर के लिए, मजे मजा एक्टर के लिए, इससे बेहतरीन तरीका और कुछ नहीं हो सकता है वापसी मारने का, क्योंकि उन्हें पता है बड़े मियाँ छोटे मियाँ उनकी सबसे चलने वाली फिल्म है। इस साल अगर आती है तो ठीक है, नहीं कि तो डंकी से उसका क्लैश है, तो मुझे लग रहा है कि वो अगले साल चली जाएगी। ये स्ट्रेटेजी काम कर सकती है। और जो मूवी उनकी डली है, देखो कैप्सूल गिल और सोनाराई पुत्रू की जो रीमेक है उसका सुनना है कि वो OTT पर जाएंगे, OTT पर वो आएंगे, ठीक है। तो आप एक एक महीने का इन 6-8 महीनों में विंडो ले सकते हैं, एक एक महीने आप प्रमोशन करके इन मूवी को निकाल सकते हैं, आपको सिर्फ इन मूवी को निकालना है। बची OMG 2, ये ऐसे सब्जेक्ट पर मूवी है जो अक्षय कुमार को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। OMG का विवाद आप लोगों को पता होगा और इस बार पक्का उस पर विवाद होना ही है, कैसा भी टॉपिक हो उस पर विवाद होना ही होना है। अब ऐसे दौर में अक्षय कुमार के ऊपर एक और विवाद चढ़ जाता है तो अक्षय कुमार का करियर किस लाइन में जाएगा आप लोगों को हमें बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए सबसे बढ़िया यही है कि यहाँ पे शांत बैठे, जितनी मूवी है इनको थोड़ा आगे पुश करें। अजय देवगन का मैं आपको डायलॉग देता हूँ, उस बंदे ने दृश्यम दरी, वो कितना कॉन्फिडेंट है अपनी मूवी के लिए। उसकी भी बीच में एक मूवी आ रही थी मैदान, उसने वो पोस्टपोन करके कहा 6 महीने बाद डाल दी, क्योंकि भोला से उसे उम्मीद है, क्योंकि उसे पता है कि भोला एक ऐसी मूवी है अगर वो चल गई तो उसको कहां से कहां ले जा सकती है, ठीक है, एज अ डायरेक्टर भी। ये सिनारियो बनता है मेरे ख्याल से अक्षय कुमार के साथ कि अक्षय कुमार को भी यही करना चाहिए, 6-8 महीने ब्रेक लेके इन मूवी को डब्बे में बंद करके एक बार आपका दौर स्टार्ट हो जाए। बड़े मियाँ छोटे मियाँ आए, हेरा फेरी भी तब तक बन के तैयार हो जाएगी, वो आप देख कल्ट क्लासिक कॉमेडी मूवी, उसका अगला पार्ट आएगा, पब्लिक आपकी आपकी एक बार फिर से दीवानी बन जाएगी, आपको चाहने लगेगी, फिर आप धीरे धीरे करके ये मूवीज आप रिलीज कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है अक्षय कुमार ऐसा करने वाले हैं नहीं, ये अपने दिल को दिलासा देने वाली बात है। एक एज अ फैन हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, अक्षय कुमार नहीं करने वाले, मुश्किल से अभी देखना नॉर्थ अमेरिका से शो करके आएंगे और एक महीने के अंदर अंदर मेरे ख्याल से उनकी अगली मूवी का अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो वो कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, लेकिन हमें जो लगता है वो हमने आपके साथ, क्योंकि ये फोटो आप देखें कुछ बड़ा ही प्लान कर रहे हैं अली अब्बास जफर, बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, और यहीं से पता चल जाता है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ किस लेवल की मूवी होने वाली है। आप अपनी थिंकिंग जरूर से लिख कर बताएं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द और किसी ने वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।